दोस्तों ये कोई मामूली रेलवे स्टेशन नहीं है। पाकिस्तान से इंडिया दिल्ली तक जाने वाली रेलगाड़ियां किसी ज़माने में यहां से जाया करती थी। ये पाकिस्तान का वो तारीखी रेलवे स्टेशन है जो गवाह है पाकिस्तान इंडिया की तरक्की का। ये गवाह है उन बुजुर्गों का जो सुबह सवेरे यहां से ट्रेन पर सवार होते और रात गए तक दिल्ली से खरीदो फरोख्त करके बाद में यहां वापस आ जाया करते थे। ये गवाह है उन आखिरी ट्रेनों का जिसे मकामी लोग आज तक नहीं भूल सके। पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन के वक़्त ये तरक्की का सूरज ग़ुरूब हो चुका है। तरक्की का दौर अपने पीछे बहुत से निशान छोड़ गया था। चावेका रोड रेलवे स्टेशन की इस खूबसूरत बिल्डिंग की बात करें तो ये आज भी वीरान और खंडर का समा पेश करती हुई नज़र आती है। दोस्तों वीडियो में एंड तक जुड़े रहना क्योंकि आज हम इस बिल्डिंग का मुकम्मल विजिट करवाएंगे और वो जगह भी हम दिखाएंगे जहां मालगाड़ियां आगे रुकती थी और सामान उतारा जाता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशबाश होंगे। अल्लाह के फजल व करम से आज की वीडियो का आगाज करते हैं। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। आज हम चावेका रोड रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं जो किसी जमाने में बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ दिल्ली की बेसिस पर बहुत सी गाड़ियां गुजरा करती थी और ये जो ट्रैक है इसकी रसाई इंडिया दिल्ली तक हुआ करती थी। सालों से पाकिस्तान से इंडिया तक जाती हुई ये ट्रेनें 47 के मौके पर बंद कर दी गई और इंडिया बॉर्डर तक महदूद हो गई। अगर इस ट्रैक की बात करें तो कराची से शुरू होता और समा सट्टा से होता हुआ बहावलपुर और हासलपुर चिश्तियां बहावल नगर, फिर यहां से होता हुआ मंडी सादगंज अमरुका रेलवे स्टेशन और आगे दिल्ली इंडिया तक जाया करता था। पैसेंजर ट्रेनों के अलावा यहां बहुत सी मालगाड़ियां भी गुजरती थी जो इंडिया से माल लाया करती थी और यहां पहुंचाया करती थी। कराची बंदरगाह से दूसरे मुल्कों से आने वाला जो सामान था इसी ट्रैक से इंडिया तक पहुंचाया करती थी। दोस्तों हम इस वक्त चावेका रोड रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं। यहाँ किसी दौर में स्टेशन मास्टर और एक टिकट मैन बैठा होता था जो टिकटें दिया करता था। अंदर चलते हैं, एक मुख्तसर सा विजिट करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस वक्त की लगी हुई चीजें आज किस हालत में है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो उस वक्त दरवाजे नस्ब किए गए थे जो लोहे से बनाए गए थे। यहाँ उनकी लगी हुई किल्लियाँ आज भी मौजूद है। यहाँ पर अगर छत की बात करें तो छत बहुत ही बेहतर हालत में नजर आ रही है। ये दीवारें आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लगा हुआ एक ब्लैक बोर्ड भी नजर आ रहा है जिसकी हालत जो है बहुत ही मखदूश हो चुकी है। ये सामने आबादी की तरफ जाता हुआ रोड नजर आ रहा है। नीचे फर्श की बात करें तो आज भी बहुत बेहतर हालत में पड़ा हुआ है। चावेका रोड रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग के इस सेगमेंट की बात करें तो ये बहुत ही खास और बहुत ही अहम है। यहाँ पर किसी दौर में टिकट मैन बैठा करता था और टिकटें दिया करता था। लोग यहाँ से टिकटें हासिल करते और अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते थे। 47 के बाद जब ट्रेनें इंडिया बॉर्डर तक महदूद कर दी गई थी तो ये शेड्यूल उसके बाद का लगाया गया था। टिकट काउंटर पर एक लोहे की सलाखों की बनी हुई जाली मौजूद होती है जो आज नजर नहीं आ रही। बिल्डिंग की बैक साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा कच्चा रास्ता हमें नज़र आ रहा है। किसी दौर में यहाँ सोलंग सा लगाया गया था जिसकी ईंटें आज भी नज़र आ रही हैं। अगर इस तरफ हम देखें तो कुछ क्वार्टर भी हमें नज़र आ रहे हैं जो खेतों के बीचों बीच मौजूद हैं। इसकी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ और भी बिल्डिंगें हमें नज़र आ रही हैं। चावेका रोड रेलवे स्टेशन की खूबसूरत सी बिल्डिंग बैक साइड से कुछ इस तरह से नजर आती है। किसी जमाने में इसी कच्चे रास्ते से लोग स्टेशन की बिल्डिंग में दाखिल होते, टिकट लेते और अपनी ट्रेन पे सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाया करते थे। उस वक्त का लगा हुआ खंबा आज भी मौजूद है। यहाँ पर लगा हुआ ये अकेला खंबा है, इसके अलावा जितने भी खंबे लगाए गए थे वो सारे के सारे गायब हो चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सड़क पे लगाई जाने वाली ईंटें जिससे सोलंग लगाया गया था आज भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर लगी हुई लोहे की दो एंगले नजर आ रही हैं जो उस वक्त लगाई गई थी। किसी जमाने में यहाँ से लोग आया जाया करते थे और ट्रेनों पे सफर किया करते थे, लेकिन मौजूदा टाइम की बात करें तो यहाँ जानवरों की गुजरगाह बन चुकी है। दोस्तों हम इस वक्त बिल्डिंग की बैक साइड में मौजूद हैं। ये देख सकते हैं टिकट घर को एक दरवाजा लगाया गया है जो बाहर की तरफ खुलता था। इसके हालात आप देख सकते हैं कितनी मखदूश हालत हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं चावेका रोड रेलवे स्टेशन पे जो टिकट घर बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं इसकी दीवारें जो है खोखली हो चुकी है। यहाँ पर हमें एक खिड़की नजर आ रही है जिसका फ्रेम गायब हो चुका है, लेकिन देखने से पता चलता है कि ये खिड़की कितनी खूबसूरत बनाई गई। यहाँ से बाहर का नजारा किया जाता था। बिल्कुल इसी जगह पे टिकट मैन बैठा करता था और टिकटें दिया करता था। अंदर से टिकट काउंटर कुछ इस तरह से नजर आता है। ये जगह जो बनाई गई है यहाँ पर वो मुलाजम बैठा करता था।
सर्दियों से बचने के लिए यहाँ एक छोटी सी अंगीठी लगाई गई थी जो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही है। यहाँ पर वो आग जलाया करते थे और रूम को गर्म किया करते थे। यहाँ से वो धुआं ऊपर से निकल जाया करता था। टिकट घर के फ्रंट साइड पे एक दरवाजा हमें नजर आ रहा है जिसका फ्रेम आज भी मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। सामने से टिकट घर कुछ इस तरह से नजर आता है। यहाँ पर उस वक्त कुछ तहरीर लिखी गई थी जो अब मिट चुकी है। साइड से ये खूबसूरत बिल्डिंग कुछ इस तरह से नजर आती है। बिल्डिंग के फ्रंट में लगाई गई छत आज भी बहुत बेहतर हालत में मौजूद है। यहाँ पर उस वक्त का बनाया गया स्टेशन मास्टर का एक रूम भी मौजूद है। इसका मुख्तसर सा विजिट करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उस वक्त जिस जगह पे मालगाड़ियां आके रुकती थी वो जगह कैसी है और किस हालत में मौजूद है। अंग्रेज दौर के बने हुए इस रूम की बात करें तो बहुत ही खस्ता हो चुका है। यहाँ पर हमें कहीं कहीं खिड़कियां भी नजर आ रही हैं जिसके फ्रेम आज भी नजर आ रहे हैं। इसकी दीवारें जो है खोखली हो चुकी हैं और गिरने वाली हैं। यहाँ पर एक लगाया गया गार्डर भी मौजूद है। इसके ऊपर अलमारियां सी बनाई गई थी जो अब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर एक अंगीठी भी मौजूद है। इसका फ्रंट वाला दरवाजा दूसरे दरवाजों से काफी बेहतर हालत में नजर आ रहा है। अगर फर्श की बात करें तो फर्श आज भी मौजूद है लेकिन यहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। सामने से ये खूबसूरत बिल्डिंग कुछ इस तरह से नजर आती है। यहाँ उस वक्त ट्रैक को चेंज करने के लिए लीवर लगाए गए थे जो अब गायब हो चुके हैं। इसी जमाने में लोग यहाँ खड़े होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार करते होंगे। जाहरी सी बात है ट्रेनें आया जाया करती थी तो यहाँ बहुत ही रौनक हुआ करती होगी। ये प्लेटफार्म आज सूना हो चुका है, ट्रेनें जो है बंद हो चुकी हैं और ये खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। अगर इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन की बात करें तो बहावलनगर से अगर हम मेंचनाबाद और मंडी सादकगंज की तरफ सफर करें तो तकरीबन बहावलनगर से 8-10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। फाइनली दोस्तों हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पर किसी जमाने में मालगाड़ियां आके रुकती थी और सामान उतारा जाता था। मालगाड़ियों का ये पॉइंट स्टेशन की मगरब की जानब कुछ ही कदम के फासले पर बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी जगह पे मालगाड़ियां आके रुकती थी और यहाँ सामान उतारा जाता था। दोस्तों ये वही पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी आके लगती थी। ये आप देख सकते हैं इसकी जो लाइनें हैं आज भी मौजूद है। अगर इसकी हालत की बात करें तो ये लाइनें कहीं कहीं से टूटी हुई नजर आ रही हैं। अगर आज भी यहाँ ट्रेनें चलती तो इसकी हालत बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आती। ये आप ट्रैक देख सकते हैं, इसमें दराड़े आ चुकी हैं और ये खत्म होता जा रहा है। मकामी लोगों से मेरी बात हुई है, वो चाहते हैं कि ये रेलवे ट्रैक जो है बहाल हो जाए। उनका कहना ये भी है अगर ये ट्रैक इंडिया तक बहाल किया जाए तो और भी अच्छा होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। लहंदे पंजाब के लोग जो हैं चढ़दे पंजाब को आज भी याद करते हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों का चढ़दे पंजाब से बहुत गहरा तल्लक है। वो अपने घर बार जो है वहाँ छोड़ के आए थे। अगर इस रेलवे ट्रैक की इंडिया तक बहाली की बात की जाए तो ये नामुमकिन सी बात नजर आती है। जी तो प्यारे दोस्तों मेरी ये मालूमाती वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।